पुष्कर के आसमान में दिखी रंग बिरंगी पतंगे, देशी विदेशी पर्यटकों ने पतंगबाजी का जमकर उठाया लुत्फ। धार्मिक नगरी पुष्कर में मकर संक्रांति के अवसर पर मंगलवार सुबह से ही जमकर पतंगबाजी का दौर शुरू हो गया। स्थानीय लोगों ने छतों पर लाउड स्पीकर लगाकर पतंगबाजी का जमकर लुत्फ उठाया। सुबह से चला पतंगबाजी का सिलसिला देर शाम तक चलता रहा। पतंगबाजी के चलते आसमान में रंग बिरंगी पतंगे उड़ती दिखी। पतंगों को उड़ाने के लिए छतों पर भारी भीड़ रही और एक दूसरे की पतंगों को काटने और लूटने की हार लगी रही। पतंगों को काटने के बाद अपनी खुशी जाहिर करते हुए जोर जोर से वो काटा चिल्लाते हुए दिखे। वहीं सात समुन्द्र पार से आए विदेशी पर्यटक भी पतंग उड़ाने में पीछे नहीं रहे। विदेशी पर्यटकों ने अपने होटलों से जमकर पतंगबाजी का लुत्फ उठाया। दोपहर में हवा कम होने से पतंग उड़ाने वालों के चेहरे पर पसीने आने लगा, लेकिन शाम होते होते हवा के चलने से पतंगों का उड़ने का सिलसिला तेज हो गया और शाम ढलते ही लोगों ने छतों पर जमकर आतिशबाजी करी। मकर संक्रांति के चलते दिन भर से दान पुण्य का दौर चलता रहा। लोगों ने वृद्धा आश्रम जाकर फल वितरित किए, वहीं गायों को चारा खिलाकर पुण्य कमाया। पुष्कर सरोवर में विशेष धार्मिक स्नान करने वाले लोगों की भीड़ उमड़ी और दान पुण्य का दौर शाम तक चलता रहा।